फिर शौर्य गए कहाँ? शौर्य उस राख की जांच पड़ताल करने गए हैं। जांच पड़ताल? लेकिन शौर्य तो आंख बंद करके ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इतनी सी राख के बारे में जानने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? बालवीर, इस बार जिस बुरी शक्ति ने सिर उठाया है वो तिमनासा से और भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए शौर्य साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं मतलब? आपके कहने का मतलब है कि शौर्य ने युग चक्र का इस्तेमाल किया है? हाँ बालवीर, युग यात्रा यंत्र का प्रयोग करना जरूरी हो गया था, और जैसा कि मुझे संदेह था, यह राख उस नई बुराई के स्रोत की नहीं है, यह किसी छोटे सिपाही की है जिसका नाम था घोड़ा मानव। घोड़ा मानव? हाँ बालपरी, हमारा पहला सुराग यानी पानी के बुलबुले से निकला आदमी भी वहीं से आया था जहां से घोड़ा मानव आया था। लेकिन शौर्य, आखिर ये जगह है कौन सी? ये पानी की एक विशाल दुनिया है जिसका नाम है शिनकाय। और इस समुद्री दुनिया शिनकाई के शासक का नाम है जलराज के कोस। शिनकाय के निवासी, पिछले कई सालों से शिनकाय की दुनिया पूरी कायनात की नजरों से ओझल रही है, क्योंकि मैंने शिनकाय के चारों तरफ एक सुरक्षा ढाल बना के रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शिनकाय में कोई भी बाहरी ताकत दखल दे। और अगर जलराज कहीं दखल देना नहीं चाहते तो उन्होंने उस घोड़ा मानव को क्यों भेजा था, और उस पानी के बुलबुले से निकला हुआ मानव धरती पर क्यों आया था? शिनकाय से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सिपाही सरहद पार करके शिनकाय से बाहर जाता है, कैसे? देवो भैया, एक बात पूछू? हाँ विवान, पूछो पूछो। अभी तक आपके बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है, और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु और चेला शक्कर तो सुना था, लेकिन आप तो सीधा कलाकंड बन गए। हाँ विवान, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना, तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। अब हाउ? एक्चुअली बालपरी भी तो वीरलोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो, है ना, इसलिए। ओके, लेकिन भैया किंग काइकोस चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आई सजेस्ट मिस्टर बी कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी? मतलब? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी, क्योंकि यहां पर
बहुत कुछ चलता है। लेकिन लेकिन मिस्टर बी, आई एम श्योर मिस्टर बी, आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती में समझ गया, तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया भैया, आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया, और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है, उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1, 2 का 4 हो जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1, 2 का 4 हो सकते हैं तो हम दोनों भी मिलकर 2, 2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर, ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलेश का अभी यहाँ पर नहीं, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुन लीजिए स्वामी, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.